दिल्ली गेट से सीधा दृश्य देख रहे हैं आप, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका दोनों का संयुक्त रूप में धरना चल रहा है। और आज 4 दिन हो गए कार्य का बहिष्कार किया हुआ है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई भी इनका जवाब नहीं आया है। आप देखिए इनके उठते हुए हाथ, लगाते हुए नारे। सारे निकल गए, उम्र वालों को निकाल दी। क्या मांग कर रहे हो? एचआर करो तो हमारी पेंशन का पैसा मिलना चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए। कितने साल हो गए आपको काम करते? 25 साल 26 सदी। देख सकते हैं कि जैसे बैठे हुए हैं सभी आस में सरकार की, और 4 दिनों से लगातार धरना जो है वो चल रहा है। सभी नारे लगा लगा के बहनें थक गई है। मैडम, कई 4 दिन में क्या परिणाम आया? कुछ अभी तक कुछ परिणाम नहीं आया है, और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि सरकार हमारी कुछ सुन ले, ताकि हमें भी आगे कोई रास्ता दिखे, धरना आगे बढ़ाने के लिए आज वापस ज्ञापन देंगे कलेक्टर साहब को। ध्यान रखेंगे 28 तारीख तक, उसके बाद में अनशन के चक्कर बढ़ेंगे। देखिए 4 दिन हो गए और 4 दिनों में भी अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है, अभी सरकार का कोई जवाब नहीं आया है, और आगे की रणनीति है जो वो भी तय की जा रही है कि आज फिर एक बार लेटर दिया जाएगा, चालू रहेगा और क्या बनेंगे बढ़ाने के लिए। तो देखिए 4 दिनों में पूरे थक गए हैं। बोलो ना, कहीं भी 4 दिन नहीं गया, बैठे ही जा। निकलेगा, संघर्ष करो। तो देखिए सब बहने बैठे आस में बैठी हुई है कि आज नहीं तो कल सरकार सुनेगी। तो जिला कलेक्टर उदयपुर से सीधा दृश्य, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का संघर्ष चल रहा है। अपने आप अभी बंद हो जाएगा। अपने को क्या करना है, कोई
और सीधे धरना अंदर दे देना है। जो भी सरकार ये समझती है कि महिलाएं बेचारी है, आज अपने को बताना है कि महिला बेचारी नहीं है। वो ये समझ रही है कि ये तो बेटी है जो खाने खा रही है, बेटी है पांच बजे चली जाएगी। आज अपने को कुछ करके दिखाना है। ऐसे भी करना है कि आज हो गया और कल से वापिस अपने काम पे, अपना सिर झुकने नहीं देना है। अब अपन पीछे बिल्कुल नहीं जाते हैं और आज झुक करके दिखाइए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना चलता है। अभी अभी सुबह सुबह एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस ने पूरी जो है नाकाबंदी पूरी सही तरह से कर दी है ताकि किसी को आहत नहीं हो। आपकी मुक्ति मांगी और आप क्या चाहते हैं? आप देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का एक्सीडेंट होने के बाद पूरी सुरक्षा जो है वो कर दी है ताकि किसी को आहत ना हो। प्रशासन ने पूरा मोर्चा जो है वो संभाला है और बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आती जा रही है। उदयपुर कलेक्टर से सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर एक आंगनवाड़ी सहायिका का एक्सीडेंट हुआ है जिसको लेकर महाराणा भोपाल में उसको भर्ती कराया गया है और इनका चौथे दिन आज भी धरना चल रहा है। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने और परमानेंट की मांग को लेकर महिलाएं अड़ी हुई हैं। अभी देखेंगे महिलाएं जो है, एक महिला घायल हुई है आज चौथे दिन धरने में और पुलिस ने पूरा मोर्चा संभाला है। पूरे चारों तरफ बैरिकेड जो है वो लगा दिए गए हैं और सख्त पहरा लगा दिया गया है ताकि कोई एक्सीडेंट न हो। तो उदयपुर से बड़ी खबर निकल रही है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का अभी अभी एक सहायिका का एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद पुलिस हरकत में आई है, चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो कर दिए गए हैं। घायल महिला को महाराणा भोपाल में ले जाया गया है जहां उसकी मलम पट्टी कराकर भर्ती कराया गया है। बैरिकेड दीवार पूरी बना दी गई है आपके सामने है। ज़्यादा लगी क्या, कितनी लगी है? कितनी लगी? अच्छा भर्ती है, कहाँ की है वो? विधवा औरत है। कहाँ की है? लाल मंगरी। देखिए पुलिस ने पूरी सुरक्षा दीवार बना दी है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। चार दिनों से लगातार संघर्ष कर रही है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और देखिए जिला कलेक्टर पर प्रचंड धूप है और प्रचंड धूप के बीच में भी छाता लेके जैसे कि वो अपने आप को बचा रहे हैं। और एक तरफ आप देखें तो रघुपति राघव राजा राम के नाम जो है भजन गाए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर पर दो प्रदर्शन एक साथ
तो बड़े ही अनोखे प्रदर्शन है। हर बात सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, चाहे कर्मचारी संघ हो चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो। आज हुआ है एक सहायिका का एक्सीडेंट भी हुआ था, इसी दौरान यहाँ ब्रिगेड जो है प्रशासन ने पूरे लगा दिए हैं, तो प्रशासन ने पूरी व्यवस्था जो है यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट ना हो। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पिछले लंबे समय से संघर्ष जो है इनका जारी है और प्रशासन ने भी बहुत ध्यान रखा है इनका। हालांकि सरकार तक इनकी बात कब पहुंचेगी ये देखने वाली बात है। ये अपना मानदेय और परमानेंस की स्थायी की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बैरिकेड लगा दिए गए, सुरक्षा की दृष्टि से टेंट तंबू लगा दिए गए, आप देखें कि ताकि कोई अव्यवस्था न हो। तो प्रचंड गर्मी अब पड़ने लगी, आप देख सकते हैं सभी बार बार पानी पीने के लिए माता बहने जा रही है, उसके बाद पूरा टेंट के नीचे कुछ छाया हुई है।